Find the quadratic polynomials whose zeros are 2 by 3 and minus 1 by 4. Then verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. That means कि हम लेट करेंगे ना कि हमारे पास दो जीरो दिया हुआ है, तो पहला हमारा अल्फा हो गया 2 by 3 एंड बीटा हमारा हो गया माइनस 1 by 4 आर द टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब हमें एक ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे ना कि जीरो के सम को निकालेंगे और फिर जीरो के प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा दोनों प्लस कर देते हैं, एलसीएम 12 हो जाएगा हमारा 3 4 4 3 जा या 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई, माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 बाई 12। और फिर क्या निकालेंगे ना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा 2 बाई 3 इंटू बीटा हमारा माइनस 1 बाई 4, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया, हमारे पास में आया 1 बाई माइनस 1 बाई 6। अब क्या होगा ना कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी फॉर्म में हमारा होता है ना, बस पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया तो 1 बाई 12, एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा क्या हो गया तो माइनस 1 बाई 6। हम क्या करें, नीचे एलसीएम लेंगे ना, तो हमारा नीचे 12 होगा, 12 लिखेंगे नहीं हम यहाँ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 ना, तो 2 1 जा 2 और नीचे हमारा जो 12 है ना, इस 12 में लिखेंगे क्योंकि ये जब इक्वल टू 0 हो जाएगा ना तो फिर वो इक्वल टू बाद जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया। अब ये बनने के बाद ना यहाँ बोला गया है फिर से ना कि वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन यानी कोएफिशिएंट और जीरो के बीच वेरीफाई भी करना है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसमें हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरो जो हमारा होगा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो माइनस का माइनस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ नहीं यानी कि माइनस वन ऑलरेडी यहाँ पर है और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 12, दैट मीन्स कि 1 बाय 12 होगा। और ये देखिए सम ऑफ जीरोज ऊपर में हमारा 1 बाय 12 आया हुआ है, यानी ये सही है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका होता है वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म हमारा माइनस 2 है, लिख दिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 12 है, अगर कटेगा ना तो ये 1 बाई 6 होगा, दैट मीन्स माइनस 1 बाई 6 हुआ। और प्रोडक्ट हमारा इससे पहले जो फाइंड किए हुए हैं ना वो देखिए माइनस 1 बाई 6 है, यानी ये हमारा हो गया वेरीफाई।